प्लीज आपकी थोड़ा रिव्यू दो, मैं सच में अच्छी लग रही थी, वीडियो तो नहीं भेज नहीं भेजूंगी। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ishika Jamwal. Another day, another morning, and I'm here. अच्छा. So कैसे हैं आप सब लोग? I hope so सब अच्छे होंगे. And हाँ, पिछले कल मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया था अपना. So I hope so आप सबको अच्छा लगा होगा and आपने enjoy करा होगा और आपको थोड़ा थोड़ा पता लगा होगा कि कैसे कैसे जो है हम अपना time spend करते हैं and मेरी maximum routine क्या रहती है, कैसे कैसे मतलब दिन निकल जाता है ऐसे ही एंड मतलब बिजी शेड्यूल चला रहता है. सो या अब नेक्स्ट डे एक तो ना ये बाल कटवाए हैं ना मैंने, इतनी गालियाँ पड़ी हैं ना मम्मी से, भाई राम मारो मुझे और अब कटवा दिए, अब इतना पछता के क्या फ़ायदा. सो छोड़ो ये सब बातें, थोड़ा मूड कराता सुबह जल्दी आँख खुल गया से मैं 8:30 बजे से पहले कभी उठती नहीं हूँ एंड आज मैं 6 बजे उठ गई क्योंकि मुझे सुकून भरी नींद ही नहीं आई. ये सोच सोचती कि मुझे इतना बोला जब ने दादी को तो अभी बताया नहीं, दादी तो मेरे को जितना गाड़ देंगे एंड अभी मम्मी को बताया था एंड स्टोरीज वगैरह पोस्ट की थी तो घर वाले रिलेटिव वगैरह इतना डांटा मुझे एंड मेरी फ्रेंड्स कुछ स्कूल फ्रेंड्स उन्होंने भी मतलब बहुत बोला यार इतने अच्छे बात तेरे क्या बना दिया. एक्चुअली सच्ची बात बताऊँ तो मेरा इतना नहीं था, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, थोड़ी सी लेंथ बोला था कम करने को, जस्ट थोड़ी सी. अच्छा हमको सिखा दिया है. अच्छा बंदे ने तो भाई उड़ा ही दिया. चल अब हो गया, अब इसके पछताने का कोई फायदा नहीं, इससे चीज़ों से मूड खराब करना. सो मैं इसी चीज़ के लिए मतलब थोड़ा सा सोच के अपना दिल बना के रख रही हूँ, मतलब दिल को बना रही हूँ. सो या जस्ट लीव इट, गए अब यार, गए गए जा चुके हैं ये भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी कुछ ज़्यादा ही ड्रामा है. चलो छोड़ो, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही बच्चा हूँ, मैं ऐसी ही बातें करता हूँ. अभी आपने मुझे जाना कहा है, सॉरी. गजब बेइज्जती है. सो या अब रेडी हो लेते हैं, कॉलेज भी जाना है. सो ठीक है, बाय. मतलब बाय नहीं, फिलहाल के लिए बाय एंड मिलते हैं आपसे कुछ क्षणों में. ओके बाय. रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का. सो गाइस फाइनली आई एम रेडी. सो या अभी कॉलेज जाना है बट आज थोड़ा जल्दी रेडी हो गई क्योंकि जल्दी सुबह जल्दी उठ गई थी. सो अभी थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ क्योंकि 2 दिन बाद बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है एंड मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ा है आता है थोड़ा बहुत, आई कांट से कुछ नहीं पता है, पढ़ना पड़ेगा बस, आई डोंट नो क्योंकि प्रिंसिपल जो है रटने पड़ते हैं, मुझे पता वो समझ आते हैं या नहीं. सो या उनमें थोड़ा टाइम लगेगा और पूरा सिलेबस का टेस्ट है. सो थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए. सो ठीक है फिर हम कॉलेज चलेंगे. ओके बाय. मतलब बाय नहीं, क्या बोलती रहती हूँ मैं, कुछ भी. कहाँ से आते हैं मेरे जैसे लोग, अब आप मुझे ऐसा बोलो. करवाली बेस्टी यार, मुझे प्लीज़ यार मुझे ना कमेंट करके थोड़ा ये बता दो कि मेरा ये न्यू हेयर कट है ना कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को ना बहुत दिल बहल रहा है ये सब चीज़ें देख के. अब कट चुके हैं हम, क्या फ़ायदा. सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे पे ठीक भी लग रहा है या नहीं, मतलब एटलीस्ट मुझे तसल्ली मिल रही है, अच्छी नींद आए शांति भरी. सो ठीक है थोड़ी देर पेंड लेती हूँ. प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार, ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार रट्टा मार. चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, खिस खिस के भेजा कर ले तेजार यार, रट्टा मार. शाबाश बेटा, गाइस अभी टाइम हो गया है मेरा कॉलेज जाने का, मेरे को ऑलमोस्ट 1/2 आवर हो गया है पढ़ते पढ़ते और मैंने अपने मतलब एक टॉपिक तो ऑलमोस्ट कवर अप कर ही लिया है. अच्छा सो या अभी कॉलेज का टाइम भी हो रहा है और मेरे को निश्चिता की भी कॉल आ गई है तो वो मेरा वेट कर रही होगी. सो आज हमारा वैसे फुल डे होता है कॉलेज में बट अब हमारी एनवायरमेंटल साइंस की क्लासेस शुरू हो गई है. सो आज हमारी सेकेंड क्लास है उसकी एनवायरमेंटल साइंस की. सो या अभी हम 1-2 घंटे के लिए लैब में रहेंगे एंड इसके बाद जो हमारी फुल डे फिर एनवायरमेंटल क्लास चलेगी. सो 1-2 घंटे तो नहीं, मतलब 3-4 घंटे लैब में रहेंगे, उसके बाद जो फिर 1-2 घंटे की जो फिर हमारी एनवायरमेंट क्लास चलेगी और फिर बीच में लंच होगा. तो फिर अभी मेरे को जाना है कॉलेज. सो बैग मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है, बस मेरे को एक कॉपी डालनी है एनवायरमेंटल साइंस के लिए ताकि अगर कुछ मतलब पढ़ाएँ तो मतलब नोट कर सकें
मतलब सेमिनार्स होंगे ना हमारे ऑलमोस्ट, मतलब इसमें जो है हमारे सेमिनार्स दिए जाते हैं, बच्चे खुद प्रेजेंट करते हैं तो टीचर्स ऑलमोस्ट मतलब ऐसे डिस्कस करते हैं, वो खुद नहीं पढ़ाते हैं। जब बच्चा सेमिनार दे देगा, जो बच्चा सब कुछ बताएगा सबको, मतलब इसमें स्टूडेंट्स ही मतलब सबको पढ़ाते हैं, मतलब बच्चों को खुद ही, मतलब सबको अलग अलग टॉपिक्स मिले हैं। सो या अभी हमारा तो नेक्स्ट मंथ है सेमिनार, तो आज हमारे रेडियोलॉजी स्टूडेंट्स के सेमिनार हैं, सो आज वो प्रेजेंट करेंगे एंड हम लोग सब सुनेंगे, एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम नोट कर लेंगे, तो उसके लिए कॉपी ले जाऊँगी एक्स्ट्रा। और लैब कोट मेरा जो है वो कॉलेज में ही है, पेन वगैरह मेरे बैग में ऑलरेडी होता है। तो या बॉटल पानी की मैंने डाली होती है, बट वो खाली डाली होती है क्योंकि यहाँ पे पीजीपी जो है टैंक का पानी नहीं मिलता है, तो कॉलेज में जो है एक्वागार्ड से ही पानी जो है मैं उस पर फिल करती हूँ। तो या छाता यहाँ पे हमेशा डालना ही पड़ता है क्योंकि ये शिमला का मौसम है, सुबह सुबह मौसम इतना अच्छा हो और फिर कब जैसे बारिश लग जाए कुछ पता नहीं लगता है। तो या अपनी जो है हमेशा तैयारी रखनी चाहिए। अभी बायोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिकल क्या करूँ, ले जाऊँ, ले जाती हूँ, लैब में टाइम मिला तो पढ़ लूँगी, नहीं मिला तो तब की तब देखूँगी। तो भी टेंशन हो रही है, थोड़ा टेस्ट नज़दीक आ रहा है, पूरे हफ्ता ऐसे चला गया। पहले मेरा सेमिनार था, ऊपर से फिर माइक्रो का भी सेमिनार शुरू हो गया, तो मैक्सिमम ये हफ्ता ऐसे चला गया है। तो यहाँ भी रेडी हो गई हूँ, चलो ठीक है चलते हैं अब कॉलेज। मैं पिछले 5 मिनट से यहाँ पे ऑकलैंड के बस स्टैंड के पास खड़ी हूँ। निशिता ने मेरे साथ गंदा वाला प्रैंक किया था, शी सेड कि वो पहुँच गई है ऊपर, मेरा वेट करी और वो अभी तक नहीं आई और हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे, मैंने और वेट किया। सो अभी मैं फ़िलहाल अकेले कॉलेज जाना पड़ेगा, सो मैं अकेले कॉलेज आ रही हूँ। ब्रो सॉरी मैं जा रही हूँ, बुरा मत मानना, तुम आ जाना लैब में क्योंकि हम लेट हो जाएंगे, इसको भी पता है, शी वेरी वेल नो कि हमारा टाइम ही ऐसा होता है पीजी से निकलने का कि पूरे टाइम पे हम निकलते हैं। सो अगर थोड़ा भी वेट करने की वो पड़ जाए तो फिर लेट भी हो जाते हैं। सो या अभी मैं अकेले फिलहाल कॉलेज जा रही हूँ, सो गाइस कॉलेज में मिलते हैं अब। सो गाइस फाइनली अभी लैब में पहुंच चुकी हूँ, अभी मैम भी नहीं है यहाँ पे, शायद अटेंडेंस लगाने गए हैं और सर भी नहीं है। सो आप देख सकते हो खाली खाली लैब, हाँ ये कर लो पहले। निशिता आ चुकी है और ये दिव्या मैम भी आ चुकी है। मैम ट्रैफिक की वजह से लेट, अच्छा आप आ गए थे पहले, मैं कब के आई हूं, मैं अपने ऑफिस में थी यार। अच्छा काम से गए थे, मुझे लगा आप लेट हो गए, मैं कब उधर आ गई, हां बाल कटा दिया मैम, देखो ढंग से करेंगे, इतनी अच्छी गुथती है, मेरी कटिंग बहुत सुंदर की है उसने बंदे ने, इसलिए मैम लेंथ उसने बहुत कम कर दी, मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई है तो। I'm begging you. दिव्या मैम भी शॉक हो गए मेरे इन बालों का रूप देख के। अब ये मैट लैब काफी भरा भरा हो गया, हरा भरा, मतलब काफी लोग हो गए। ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड इन लैब, मतलब नहीं हम दिए और मैंने कुछ नहीं खाया है इसलिए मैं एप्पल खा रही हूँ क्योंकि मुझे चक्कर ना आ जाए इसलिए। हाँ अटेंडेंस लगानी है, ठीक है हम अटेंडेंस लगाने जा रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हमारा आज का पहला सैंपल प्रांजल लेते हुए। क्या क्या है इनका, सी एच जी प्लस सी एस प्लस रेटिकॉन प्लस मैंने भी रखा, ये नहीं लेना है, ये नहीं है, ये वाली टेस्ट तो नहीं आपका,
नहीं ये बोला उन्होंने लेंगे तो ठीक है नहीं तो नहीं ये वाला टेस्ट इस ट्यूब से नहीं होता ये इसी से हो जाएगा। हाँ जी वो बोला उन्होंने कल करना था ये तो रख ले। अच्छा नहीं नहीं कल करना 3 बजे के बाद पता रिपोर्ट का। आपने वो देखी नहीं वो सीयू का गेट का किडनैप किया था अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का और उसमें अरे मेरा कजन है ना पहले उसके साथ ही रहता था वो क्योंकि पिछले सेक्टर में उसके साथ था सुन सुन गया वो गायब है उसको डालेंगे जनरली हम इसमें मिथाइलिन ब्लू और ब्रिलियंट के साथ ब्लू तो इसके भी हम 2 ड्रॉप्स डालेंगे जितना हमने ब्लड डाला है उतना ही। फेसबुक पे प्यार हो रहा है कहीं कोई शादी कर ले रहे हैं ताकि वो अच्छे से स्टेन हो जाए। ये हो गई हमारी रेटिकल स्टेन। अब इसको हम इनक्यूबेटर में रखेंगे ताकि जो सेल है वो लाइव रहे इन लाइव स्टेट रहे। तो फॉर अबाउट 5 घंटे हम इनक्यूबेटर में रखेंगे। ये है इसका फेस के बाद में इसको हम स्टेन करते हैं जिनसे स्टेन करते हैं हम जनरली रूटीनली और देन उसके बाद इसको हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए सेंड करते हैं और ये डॉक्टर्स इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। फिर अब ये जो सैंपल है इसको हम एनालाइजर में प्रोसेस करेंगे मतलब एनालाइजर ऑफ है क्योंकि वो भी टेम्परेचर के उस पर मतलब यहाँ पे तो जब एनालाइजर जो है उसके बाद जो है हम उसको एनालाइजर में प्रोसेस करेंगे ताकि जो CHG की रिपोर्ट है वो ले सकें एंड देन उसको साथ में जो रिक्विजिशन फॉर्म आया है और जो CHG की रिपोर्ट है उसको हम रिपोर्टिंग के लिए भेजेंगे विद रिक्विजिशन फॉर्म और मतलब जो CHG की रिपोर्ट है विद स्लाइड्स जो हमने स्टेन करी होगी और जो हमने रेटिकुलोसाइट स्टेन करी है अभी तो उसका भी फिर बाद में हम स्मीयर बनाएंगे उसकी ड्रॉप से एंड देन फिर उसको भी साथ में सेंड करेंगे रिपोर्टिंग के लिए और फिर जो रिपोर्ट है वो नेक्स्ट डे आती है अबाउट 3 बजे के बाद। सो बस यही प्रोसीजर होता है रूटीनली मतलब यहाँ पे हम ये काम करते हैं। सो भी एनालाइजर ऑफ है जब एनालाइजर ऑन हो जाएगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि हम कैसे कैसे एनालाइजर में वर्क करते हैं। चलो वो तो ओके अभी बायोकेमिस्ट्री के डेमोस्ट्रेशन रूम में आई थी जहाँ पे हमारे मतलब जनरली जो क्लासेस लगती है और सेमिनार जो जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पलक के साथ इसका सेमिनार है ये हमारी जूनियर है। सो अभी हमने देखा कि यहाँ पे स्क्रीन लग गई है पहले हमने कैसे कैसे इससे सेमिनार दिया था और ये कितना अच्छा मतलब लैपटॉप वाली स्क्रीन लगी हुई है इसमें मतलब एग्जैक्टली हम टच करके इसको हम सारा मतलब ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं एंड लैपटॉप की तरह हमने मतलब इसमें कुछ भी फाइल सेंड करनी हो तो सारी मतलब वही चीज़ें इसमें हो गई है। वो इट्स अमेजिंग मुझे भी देना है भाई स्क्रीन पर सेमिनार। मैं सर से स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगी कि सर मेरे को दोबारा सेमिनार देना है अपना मेरा एक्चुअली सेमिनार हो चुका है। सो यार अब इसको प्रैक्टिस करनी है सो अब इसको थोड़ा देर अकेला देते हैं बेचारे को शर्म आएगी
हमारे सामने अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगी, इसलिए पहले ही बाय बाय कर रही है. सो ठीक है, ऑल द बेस्ट, वेल प्रैक्टिस करो. बाय. यार मुझे भी देना है इस पे तो सेमिनार. ठीक है, बाय. सब लोग मेरे को डीमोटिवेट किए जा रहे हैं कि मैंने सूरज से बदसूरत हो कर दिया खुद को. आई एम गिविंग हर मोटिवेशन, शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल नाउ, आई एम इम्प्रेस्ड. अब लग रही है सुंदर नगर की क्यों यहाँ मिली है, हमने सभी पूछा था. मुझे भी आना वीडियो में. प्लीज आप भी थोड़ा रिव्यू दो, मैं सच में अच्छी लग रही हूँ. वीडियो तो नहीं भेज रही, नहीं भेजूंगी. अब मैं आपका फेस पूरा डिफाइन हो रहा है अच्छे से और मैं किस लग आगे बोल. अब मैम सच में अच्छे लग रहे हैं, अब लग रहा है हम सब सुंदर नगर वाले ही हैं. हाँ, एक और थी तीसरी भी आ मेरा थोड़ा फेस अलग है, बट आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ छोटे छोटे बाल तीनों के. सो थैंक्स गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब. ठीक है, ठीक है, चलो कुछ तो कमेंट मिला, अच्छा फील हो रहा है. Oh my god! Wow! इसके बाद हम फोल्डर्स जो हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए दे सकते हैं एस आर रूम में. एंड ये है हमारा एस आर रूम. सो गाइस अभी हम जल्दी जल्दी बर्गर खाएंगे, फिर हमें क्लास के लिए जाना है. एनवायरमेंट की क्लास है, इनके अलग टेंशन चल रही है. फाइनली लंच टाइम, एक ब्रेक मिली बढ़िया वाली बर्गर के बाद. हाँ भाई इतना इतना होना होता था, मैं डाल दूंगी एक कभी में. गाइज फाइनली अब हमारा लंच हो चुका है. सो अभी है एनवायरमेंटल साइंस की क्लास, तो हम लोग जा रहे हैं फिलहाल क्लास लगाने. तो क्लास होगी हमारी डेंटल कॉलेज में, जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे कम्युनिटी मेडिसिन, तो वहाँ पे होगी हमारी क्लास. सो चलो चलते हैं साथ साथ में. अभी हमें वो जाना है ऊपर वाली बिल्डिंग में. गाइज ये देखो ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पे टू लेट टू रूम सेट वगैरह लिखा हुआ था, और इन्होंने इसका टू लेट को टॉयलेट बना दिया है. जल्दी चलो शाबाश बेटा, बहुत तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं. मजा आया. और टॉयलेट वालों आ जाओ जल्दी जल्दी, ऐसे भी लोग होते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मतलब हम पहुँचने वाले हैं. आगे चल रहे हैं हमारे रिनल के बैचमेट्स. गाइस हम पहुँच चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन. सो चलो उधर आगे बस हेडको. यहाँ आगे होगी हमारी क्लास.
अच्छा बाकी लोग भी हैं। अच्छा हाँ, इस रूम में होगी हमारी क्लास अभी, पर लोग भी आ गए। क्या पागल होगी, कहाँ डाले तूने बाहर? अभी हम जाएंगे क्लास लगाने रूम में, यहाँ पे सारे हमारे बाकी क्लासमेट्स के। हाय, इन द वर्ल्ड ऑफ 6.8 बिलियन पीपल, इट्स अबाउट 21% ऑफ मैनकाइंड डोंट हैव इट कंटेनियस वाटर विद दिस इज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिड रेन। When pH of rain water falls below 5.6, it becomes acidic and is called acid rain. Acid rain can destroy water bodies and hence killing the aquatic life. Very interesting. The dumping of garbage such as paper. Government of India covering 4,041 statutory cities, towns to clean the streets, roads. How do we pollute? So our earth is acidic. You don't know its true worth until it's gone. A few moments later. Finally, our class is over. Finally, आज हम क्लास से कुछ ज्यादा जल्दी फ्री हो गए हैं after 4 seminars. कौन है? About 3 बजे तो अब हम जा रही है पीछे। हे गाइस, मैं फाइनली अपने कमरे में पहुंच चुकी हूँ, इतनी थकी हारी। सो या आफ्टर सच अ हैक्टिक डे एंड थकावट वाला डे, यू कैन से, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है और बहुत आलस पड़ रहा है, तो मैं सो जाती हूँ क्या मतलब, सो जाऊँगी। और बस आज का व्लॉग बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, अब मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। सो या ओके बाय, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Bye, thank you so much for watching. Bye.